बना रहे हैं आज पाव भाजी रोल अप्स। उसमें हम डालेंगे प्याज 1 कप चॉप्ड, ठीक है 1 कप चॉप्ड प्याज डाल दिए। प्याज को हमें हल्का सा कलर देना है, हल्का सा। इसमें हम थोड़ा बटर भी डालेंगे, पाव भाजी में बटर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपर से भी डालूंगी जब रेडी हो जाएगा। हरी मिर्चें 4, जिंजर गार्लिक जाएगा 1 टेबलस्पून। ज़रा से फ्राई हो जाए, कलर आ जाए, फिर डाल। अच्छा, मैं इसके मसाले निकाल रही हूँ। ठीक है, पाव भाजी मसाला हमें डालना है और हमें इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो डालनी है वो आप लिख लो प्लीज़। वो लिखी नहीं है, मैंने गलती से भूल गई हूँ। टर्मरिक प्लीज़ लिख लीजिए। क्वार्टर टीस्पून हल्दी, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत। बस रिपीट कर रही हूँ, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, और पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप लोग को अब तो मिलने लगा है। मैंने आप लोगों को पाव भाजी मसाला सिखाया भी है बनाना, आप लोगों को अगर याद होगा तो। आप एक काम करो, जिसको नहीं मिल रहा है आप लोग YouTube पे जाइए, वहाँ जाके लिखिए पाव भाजी बाय श्री नंदवर। वो मैंने आपको एक दफ़ा सिखा चुकी हूँ, उसके साथ मैंने छोटे पाव भी सिखाए थे बंस, तो उस चीज़ लिख लीजिए। क्वार्टर टी स्पून हल्दी, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत। बस रिपीट कर रही हूँ, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, और पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप लोग को अब तो मिलने लगा है। मैंने आप लोगों को पाव भाजी मसाला सिखाया भी है बनाना, आप लोगों को अगर याद होगा तो। आप एक काम करो, जिसको नहीं मिल रहा है आप लोग YouTube पे जाइए, वहाँ जाके लिखिए पाव भाजी बाय श्री नंदवर। वो मैंने आपको एक दफ़ा सिखा चुकी हूँ,
उसके साथ मैंने छोटे पाव भी सिखाए थे बंस, तो उस प्रोग्राम में मैंने पाव भाजी मसाला भी सिखाया है। तो आप वहाँ जाके आप देख लो, आपको इंशाल्लाह वीडियो देखोगे तो पाव भाजी मसाला की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, बिकॉज मैंने शो पे सिखाया है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप, टमाटर 3 स्लाइस, और अब इसको आपको बहुत अच्छी तरह भूनना है। इतनी अच्छी तरह भूनना है कि टमाटर गल जाए, और इसमें आप पाव भाजी मसाला भी डाल दें। पाव भाजी मसाला आपको डालना है 2 टेबल स्पून। चलिए जी, ब्रेक आ चुकी है अच्छी तरह। जब तक ये यहाँ पे भून रहा है, हमारी ये पाव भाजी तैयार होती है, फिर हम इसके बनाएंगे रोलर्स और आपको पेश करेंगे कोका कोला के साथ। आपको अपने टेबल से जी भी देखें, पाव भाजी का मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ी, फूल गोभी 1 पाव, 250 ग्राम्स, फूल निकाल के बॉइल्ड आलू 3 से 4, तकरीबन 400 ग्राम हो जाते हैं, ठीक है। आलू डाल दिया आपने, मटर डालेंगे हम फ्रेश ट्रीट के 1/2 कप। कलर देखें इनका, क्या इनकी वेजीज हैं। ठीक है, और हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर होना चाहिए, भूल गई मैं, लिखवाना भूल गई थी तो ज़ाहिर ही बात है लाई भी नहीं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाव भाजी गाजर। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको कवर करके छोड़ रही हूँ मैं गलने के लिए। गलावा तो है लेकिन अच्छी तरह प्रॉपर हो जाए, फिर हम उसको पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश करेंगे, और फिर हम इसके बनाएंगे रोल अप्स। अच्छा, जब हम रोल अप्स बनाएंगे तो हमें अंदर फिलिंग के लिए थोड़े टमाटर चाहिए, जब हम रोल अप्स बनाएंगे। चलें जी, अब आप आ जाइए, इसके मैं बना रही हूँ रोल अप्स। आपकी मर्ज़ी है आप बटर डालें, आपकी मर्ज़ी है आप ऑयल डालें। चीज़, स्लाइस्ड अनियंस, स्लाइस्ड टोमेटोज, हरा धनिया, अच्छा टॉर्टियाज़ मैंने आपको घर में बनाना सिखाए हैं। 2 से 2.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, उससे आप बना लीजिए टॉर्टियाज़।
चेडर या मोज़रेला चीज़, इसमें आप पक्की क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ दोनों साइड से अच्छी तरह ग्रिल करेंगे।